नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। महासंग्राम 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी देश भर से पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। पार्टी के इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए 400 पार, अब की बार एनडीए 400 पार। इसी नारे के साथ सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी का दिल्ली में सबसे बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की बिसात पर सियासी मोहरे बिछाने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें एमपी छत्तीसगढ़ समेत देश भर के पार्टी नेता जुटेंगे, जिन्हें 2024 के महासंग्राम में जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित करेंगे और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का पंजीकरण कल दोपहर से 17 फरवरी से 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे उद्घाटन सत्र होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समाप्त होगा। 17 और 18 फरवरी को होने वाले इस महामंथन के बाद पार्टी के अब की बार 400 पार के नारे को लेकर सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में कूच कर जाएंगे और एक एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम में जीत की नींव रखेंगे, जिसके लिए एमपी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से बीजेपी नेताओं का जत्था दिल्ली कूच करने लगा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन है, जिसमें छत्तीसगढ़ से सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और जिला के अध्यक्षगण सभी जा रहे हैं। 2 दिन का अधिवेशन दिल्ली में होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी तैयार है नमो हैट्रिक के सपने को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं। केंद्र की सत्ता के लिए शुरू होने वाली दौड़ में अब कुछ ही वक्त बचा है, उससे पहले बीजेपी तैयार है मैदान मारने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, 17 और 18 फरवरी को बीजेपी का ये महाकुंभ यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसका आयोजन हो रहा है दिल्ली के भारत मंडपम में। ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन से पहले जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक करेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे से पदाधिकारियों की ये बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय अधिवेशन में। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस महाकुंभ का हिस्सा होंगे। जेपी नड्डा के संबोधन से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से अधिवेशन का आगाज होगा और 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का महामंत्र देंगे और उनके ही संबोधन से इस राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो जाएगा। कौन कौन शामिल हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा और कौन से बड़े चेहरे हैं वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे, बीजेपी के सभी राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे,
बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, सभी एमपीज, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी भी इस महाकुंभ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे, लोकसभा विस्तारक और लोकसभा प्रभारी भी इसका हिस्सा होंगे। देश भर से करीब 11,500 पदाधिकारी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को यह राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। बीजेपी का एजेंडा क्या है वो देख लेते हैं। विकसित भारत की सोच इस राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में दो प्रस्ताव एक साथ आएंगे जो एजेंडे का हिस्सा होंगे। दो प्रस्ताव आएंगे और एक प्रस्ताव होगा राजनीतिक। जी हां, एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा और दूसरा प्रस्ताव क्या होगा वो आपको बताते हैं। आर्थिक सामाजिक विषय पर होगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में दूसरा प्रस्ताव। इसके अलावा राम मंदिर की और महिला आरक्षण का जिक्र भी इन प्रस्तावों में होगा। साथ ही गरीब, किसान, युवा के लिए काम किस तरह से हो उसका भी जिक्र होगा, क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में चुनाव के प्रचार की रूपरेखा भी इस अधिवेशन में तय की जाएगी। ये भी एक मुख्य एजेंडा होगा। संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी राष्ट्रीय अधिवेशन में। और साथ ही अब की बार 400 पार की रणनीति, जी हां, 400 पार का नारा जो दिया गया है उसकी रणनीति क्या रहेगी। कार्यकर्ताओं से चुनावी कूच का आह्वान किया जाएगा। भारत मंडप में सबसे बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मंडपम में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर फोकस भी रहेगा, एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, विकसित भारत की सोच को दिखाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी की क्या सोच है विकसित भारत को लेकर वो यहां पर प्रदर्शित की जाएगी। तो ये है राष्ट्रीय अधिवेशन की, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन महाकुंभ होने जा रहा है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने रखी। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, दूसरा चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस में पार्टी छोड़ने की होड़ नेताओं कार्यकर्ताओं में मची हुई है। इसी कड़ी में एमपी में कुछ दिग्गज कांग्रेसी नेता 300 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने की मची होड़ के लिए पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी में वंशवाद और अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया है। मौसम इस वक्त सर्द है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत का मिजाज गर्म है और उधर कांग्रेस में पतझड़ है। 24 के महासंग्राम में कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है कि दल बदल की लाइन लग गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेगा ज्वाइनिंग अभियान ने तो मानो चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हराने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। एमपी में रोजाना कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई बालाघाट से, जहां दिग्गज नेता अनुराग चतुर्मोहता, अजय मिश्रा और कैलाश जैन ने हाथ का साथ छोड़ा और कमल को थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले बाकायदा शक्ति प्रदर्शन किया गया। 300 कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी रैली निकालकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया गया। चार छह परिवार हैं, वो चार छह परिवार में सिमट कर रह गई है कांग्रेस। और हम काम करने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सनातन प्रेमी है, श्री राम के पुजारी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप राम मंदिर मत जाओ, लेकिन आप पूरे देश के, पूरे पार्टी के लोगों को ये आदेशित नहीं कर सकते कि आपको राम जी की पूजा करना है नहीं करना है। कांग्रेस में मची भागम भाग पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जमकर तंज किया, कांग्रेस के वंशवाद पर प्रहार किया और परिवारवाद को कांग्रेस में मची कलह का जिम्मेदार बताया। परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती हैं, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। कांग्रेस पर प्रहार करने में प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी विरोध को कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा बताया, साथ ही भविष्य के रोड मैप में कांग्रेस को शून्य करार दिया। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती।
कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और न ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोडमैप है। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है, उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग में कांग्रेस के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, यानी एक तरफ पीएम मोदी 400 पार सीट जीतने का लक्ष्य लेकर सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही उसके दुश्मन बनकर बीजेपी को नया दोस्त बनाकर मुश्किल बढ़ा रहे हैं। एक तीसरी मुसीबत भी है, और वो है बड़े बड़े सपनों के साथ बने इंडी गठबंधन के सहयोगियों का लगातार साथ छोड़ते जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हालत तो यह है कि आज जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सामने आ भी रहा है ना, वो कल भी कांग्रेस में रहेगा या नहीं, इसको लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जो भागम भाग कांग्रेस में है, उसको लेकर आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस बड़ी स्क्रीन के जरिए दे देते हैं। भागम भाग मची हुई है, किन किन ने थामा कमल है उनके नाम बताते हैं। विदिशा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ कई नेता जो कल तक कांग्रेस में थे, आज बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी सुमेर सिंह गढ़ा भी अब बीजेपी के दामन को थाम चुके हैं। इसके अलावा विवेक तनखा के करीबी शशांक शेखर भी अब बीजेपी के बैनर तले आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। अशोकनगर से कांग्रेस नेता अजय पाल यादव भी अब कमल के फूल को थाम चुके हैं अपने हाथों में। इसके अलावा टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार भी अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। छतरपुर के पूर्व मंडी उपाध्यक्ष हैं कैलाश द्विवेदी, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा गौरीहार जनपद के अध्यक्ष हैं तुलसी अनुरागी, ये भी अब बीजेपी के हिस्सा बन गए हैं। कांग्रेस के नेता हैं आशीष द्विवेदी और अनिल दीक्षित, ये जो कल तक कांग्रेस में थे आज बीजेपी में हो गए हैं। इसके अलावा कौन कौन से नाम हैं, तो कह सकते हैं कि पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक की जो कांग्रेसी नेता हैं, वो अब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो रहा है और बीजेपी की रीति नीति उन्हें भा रही है, इसलिए वो बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो फ्रीज किया गया खाता है वो खोल दिया गया है। पार्टी अब इस खाते से ट्रांजैक्शंस कर सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को मामले में सुनवाई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है और उसके चुनाव को देखते हुए की गई कार्रवाई कांग्रेस ने इसे करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी, 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है, उसका पैसा पड़ा। हालांकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर लगी रोक हटा ली। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को होगी। उससे पहले इस मुद्दे पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case, on the interim application that I filed on Wednesday. A loktantrik itna ki salary jo di gayi karmchariyon ko uske khaton ko seal kar diya bina bataye. Ye vyavhar Bharatiya Janata Party ka, uski agencies ka. मैं मानता हूं कि देश देखे समझे। कांग्रेस इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है।
कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया, लोकतंत्र की गले गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि साल 2018 से 19 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 45 दिन की देरी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि 45 दिन के भीतर आयकर रिटर्न भरा गया था। साल 2018 से 19 इलेक्शन का साल होने की वजह से रिटर्न फाइल करने में देरी हुई। उस समय 199 करोड़ रुपए की रसीद कांग्रेस पार्टी के पास थी जो खर्च हुई थी, उसमें से केवल 14,40,000 रुपए हमारे सांसद और विधायकों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह कैश जमा करवाई थी, जिसके आधार पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी गई। चुनावी साल होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब देखना है 21 फरवरी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई में क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात आज की एक और सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि नक्सली सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों ने खत लिखा जिसमें उन्हें सशर्त बातचीत की हामी भरी है। नक्सल संगठन सरकार से सशर्त बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने नक्सलियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर बातचीत के लिए हामी भरी है। उन्होंने बातचीत के लिए उचित वातावरण बनाने की भी मांग रखी है। नक्सलियों ने कहा है कि सरकार 6 महीने तक ऑपरेशन बंद कर दें, जवानों को कैंप और थानों में ही रखें और निर्दोषों की हत्या करना बंद करें, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। वहीं नक्सलियों से बातचीत को लेकर बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि बातचीत से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, बीजेपी की सरकार आते ही नक्सली घटनाएं बढ़ी है। यदि वार्ता से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये वार्ता करने की बात करते हैं और बीच में वार्ता तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, आज नक्सली संगठनों ने कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी है। क्या राज्य सरकार उन शर्तों को मानने तैयार है? कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया था। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा था, विकास पहुँचाया जा रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद बीते 2 महीने में जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियां बढ़ी है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास नक्सलवाद को काटने के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार नक्सलियों से बातचीत करने की बात कह रहे थे। नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार ने हाथ बढ़ाया था, अब नक्सली भी सरकार से बातचीत करने को राजी हो गए हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी की प्रवक्ता और नक्सली लीडर विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है और सरकार के सामने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर में नगर निगम की बैठक चर्चा की जगह कॉमेडी शो बन गई। दरअसल बैठक के दौरान पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। इस दौरान सदन में जोरदार ठहाके लगे, पूरा सदन हंस हंस के लोटपोट हो गया। जिस तरह से रुबीना खान ने मामले को उठाया उससे पूरा सदन ठहाके लगाए बिना रह नहीं पाया। निगम की बैठक में कॉमेडी शो। कुत्तों पर सदन में लगे ठहाके। तो हम चाहते हैं कि शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं।
सम्मान की बात, आदरणीय श्वान। मुद्दों से दूर, कुत्तों पर ठहाके भरपूर। उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सदन में शहर और जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कुत्तों के काटने का मुद्दा आया तो सदन में हंसी ठहाकों का समा बंध गया। दरअसल कांग्रेसी पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। रुबीना खान ने कहा कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए नसबंदी करनी चाहिए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो। लेकिन इस दौरान कुत्ता कहना पार्षद रुबीना खान को महंगा पड़ गया। दरअसल किसी पार्षद ने कहा कि कुत्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसके बाद रुबीना खान का आदरणीय श्वान कहना सदन में ठहाकों का कारण बन गया। रुबीना खान ने आदरणीय श्वान श्वान जी कहकर कुत्तों को संबोधित किया और इसके बाद महापौर पार्षद सभी लोग हंसने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। सीधे शब्दों में कहें तो सदन की एक बैठक कॉमेडी शो बनकर रह गई। नगर निगम की इस बैठक में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन माननीय तो कुत्तों के सम्मान पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि कुत्तों के काटने का मामला शहर में आए दिन हो रहा है, हर दिन लोग परेशान हैं, ऐसे में इस पर भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। पार्षद रुबीना खान ने कहा कि शहर के बाहर कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही उनकी नसबंदी भी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं, उसके अंदर जितने भी पशु प्रेमी भी हैं, हमारे मुद्रा शास्त्री जैसे लोग, ये लोग थोड़ा थोड़ा दान दें, और अगर कोई नई बनवा सकते हो तो पीपीपी के आधार पे बना दें, और उसमें सब लोग जो रोटी वोटी बचती है, खाना बचता है, वहाँ उन लोगों के लिए दे दें तो वो भी बेचारे अच्छे से रहेंगे, और उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हंसी मजाक हो, लेकिन डॉग बाइट के मामलों को संज्ञान में भी लेना जरूरी है। पिछले कई महीनों से डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, जी। और आगे देखिए खबरें तेज रफ्तार में।